तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और कभी कभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन यूज करने पड़ सकते हैं तो यहाँ पर हम एक्स को टू कॉस थीटा रख सकते हैं और वाई को थ्री साइन थीटा रख सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये आपको एलिप्स जैसा दिख रहा है तो ये उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है तो अगर आप ये सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे तो साइन इनवर्स के अंदर आपके पास क्वांटिटी जो आएगी वो आएगी वन यही सब्सटीट्यूशन जब आप कॉस इनवर्स के अंदर यूज करेंगे तो आपके पास पुट करने के बाद बन जाएगा कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय रूट टू और माइनस का टू अब इसके केस के अंदर आप यहाँ ए थीटा प्लस थीटा से इसकी रेंज निकाल सकते हैं जो माइनस रूट ए स्क्वायर आती है तो वो वैल्यू माइनस वन से वन आएगी और इसमें जब आप माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस थ्री से माइनस वन हो जाएगा लेकिन अगर आप डोमेन का ध्यान रखेंगे तो सिर्फ ये ए की वैल्यू ले पाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन जिसकी वैल्यू थ्री पाई बाई टू आ जाएगी